जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा YouTube चैनल पे और एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी 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 न्यू ईयर। तो हम लोग जाते हुए दिसंबर को, आते हुए जनवरी को वेलकम करते हुए और आते हुए नए साल को वेलकम करते हुए हम लोग अभी फिलहाल हम लोग आए हैं मंदिर पे दर्शन करने के लिए, जो कि अगले साल जैसे भी गए कुछ भी एक्स वाई जेड, तो इस साल थोड़ा अच्छे तरीके से जाओ। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा मन्नत मांगने आए भगवान के साथ। तो सुबह सुबह अभी फिलहाल हम लोग कामाख्या मंदिर पे आए हुए। तो गाइस वीडियो में जुड़े रहेगा और वीडियो कैसे लगे कमेंट करके बताइए, मैं अभी आप लोगों को जाके दिखाता हूँ। नया साल आज सभी मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो फिलहाल हम लोग गाड़ी नीचे में पार्क कर लिया, तो अभी हम जा रहे हैं सीधे मंदिर पर। तो आप लोग फिलहाल चेक कर सकते हैं, यहाँ पर गाड़ी तो काफ़ी से काफ़ी भीड़ लग रहा है। पता नहीं ऊपर जाके पता चलेगा कितना आदमी है और कितना नहीं है। काफ़ी भीड़ नज़र आ रहा है मुझे, तो अंदर जाके पता चलेगा और कितना आदमी है गाइस। और आप लोगों को यहाँ पर देखिए घुसते ही इतना सारा आदमी, मतलब क्या बताएं गाइस। आज नया साल, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो नया साल अच्छे तरीके से जाओ आप सभी को। तो हम लोग अभी जा रहे हैं अंदर मंदिर तक, अभी बाहर में आप लोग चेक कर सकते हैं इतना सारा आदमी है। क्या बोलते सर, इतना आदमी, हम लोग आने में काफ़ी लेट, हम लोगों को आने में लेट हो गया शायद, लगता है हमको लोग आने में थोड़ा सा लेट हो गया। मतलब ये जो है ना, ये उठा ही नहीं है, मतलब 8 बजे तक उठता नहीं, 8 बजे तक सोते रहता है। और फिर हम आपका तरफ से भी सबको हैप्पी न्यू ईयर बता दें। बोलो, मेरा तरफ से भी आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। बढ़िया। और गाइस आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पर गेट में कुछ तरह इस तरह घुसते ही। और गाइस आप लोगों को मंदिर आते हुए कुछ इस तरह का रास्ते पे दुकान मिलेगा, जो कि दुकान पे इस तरफ देख सकते हैं आप लोग, इस तरह का दुकान मिलेगा। तो वहाँ पर आप लोग सैंडल जूता जो भी हो वहाँ पर रख सकते हैं, वहाँ से प्रसाद वगैरह भी ले सकते हैं, फूल प्रसाद कुछ भी ले सकते हैं। और जो कि मंदिर का साइड में दोनों साइड में आप लोगों को दुकान मिलेगा, तो दोनों साइड दुकान से आप लोग प्रसाद हो फूल प्रसाद ले सकते हैं और सैंडल जूता जो भी हो आप लोग रख सकते हैं। हम लोग कहाँ पर रखेंगे, ऊपर ना, वहीं पर रख देते हैं यहाँ पर। और गए सभी हम लोग फिलहाल पहुँचे मंदिर के गेट पर, तो हम लोग फूलमाला प्रसाद ले लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, चेक कर सकते हो। अब हम लोग यहाँ पर लेंगे फूलमाला प्रसाद लेके तो हम लोग जाएंगे मंदिर के अंदर। फिलहाल हम लोग फूलमाला प्रसाद ले लिया और फूलमाला प्रसाद लेके हम लोग एंट्री कर चुके हैं मंदिर के अंदर, जो कि आपको मंदिर के गेट के अंदर घुसते ही राइट साइड से आना है। राइट साइड से आके नीचे में आप लोगों को मिलेगा गणेश मंदिर, जो कि पहले हम लोग को पूजा करना है गणेश जी का। तो गणेश जी का पूजा करने के बाद ही पूजा संपूर्ण माना जाता है, तो इसीलिए हम लोग पूजा करेंगे पहले गणेश मंदिर पे। तो आप देख सकते हो वो नीचे में जो है गणेश मंदिर है, तो गणेश जी का मंदिर में हम लोग पूजा करेंगे। तो पूजा करके फिर जाएंगे माँ के दर्शन, जो कि तालाब है यहाँ पर। तो पैर मुँह फुलाई करके फिर आप लोग को गणेश जी का दर्शन लेना है। दिया धूप इधर जला सकते हैं, इस साइड में देख सकते हैं आप लोग, वहाँ पर जो कि दिया धूप जलाते हैं। और यहाँ पर काफ़ी आदमी आ चुके हैं आज एक तरह जो कि है। और यहाँ पर आप लोगों को नारियल फोड़ने के मिलेगा, तो यहाँ पर नारियल फोड़ सकते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। पूजा पाठ करना हो गया, तो अभी हम लोग निकलेंगे मंदिर से। तो पता नहीं आज हम लोग दिन को कहाँ पर जाने वाला है, कहाँ पर नहीं जाने वाला है। पहले मंदिर दर्शन कर लिया, अपना पूजा पाठ कर लिया, जो कि अगले साल जिससे भी कहता है इस साल काफ़ी बढ़िया से जाओ, क्या बोलते हैं, इस साल अच्छा अच्छा जाओ, तो इस साल अच्छा अच्छा जाओ। इसलिए हम लोग अभी यहाँ पर पूजा पाठ करने आ गए और यहाँ पर देख सकते हैं बाबा जी को। और गाइस फिलहाल अभी हम लोग का पूजा पाठ करना हो गया, अभी हम लोग निकल रहे हैं मंदिर से। तो अभी हम लोग पता नहीं कहाँ पर जाना है, कहाँ जाना है,
पता नहीं अभी हम लोग भैया आए हो, तो वो एक भैया हम लोग है, तो अभी हम लोग फिलहाल निकले मंदिर से, तो पता नहीं कहाँ जाना है क्या करना है कुछ पता नहीं, अभी हम लोग को पूजा पाठ करना हो गया।